आज समग्र राज्य में विभिन्न वकिल संघ कर्मकर्ता निर्वाचन अनुष्ठित होन बार वन भोट नियम अनुजाई निर्वाचन परिचालना करा जाउछि। आज राज्यव्यापी सब वकिल संघर निर्वाचन होता बेले सका 8टा ठारु भोट ग्रहण आरंभ हो सारी अपराह्न 3टा पर्यंत भोट ग्रहण कर गणति शेष पर निर्वाचित कर्मकर्ता नाम घोषणा होता। एप्रिल 15 तारीख में ओडिशा राज्य बार काउंसिलर कर्मकर्ता निर्वाचन अनुष्ठित हो वकिलों निर्वाचन पर योग्य भोटरों तालिका ओडिशा राज्य बार काउंसिल पक्षर चूड़ांत तालिका प्रस्तुत कर 37-8 भुवनेश्वर बार आम आफिलेटेड बार भुवनेश्वर बार बार काउनसिल वैलिड भोटर लिस्ट अनुसार 37-8 कैंडिडेट आप प्रेसीडेट आम 4 जन कैंडिडेट अच्छा सेक्रेटरी 2 जन जॉइंट सेक्रेटरी 2 जन असिस्टेंट सेक्रेटरी 2 जन ट्रेजरर आम नॉन कंटेस्टेड होती एग्जीक्यूटिव बॉडी रे आपर 11 जन कंटेस्ट करनिटापर आप क्लोज हो बैलेट बक्स आम ऑफिशियल मान लॉन्च ब्रेक पर इमीडिएटली स्टार्ट ऑफ काउंटिंग। तो संपर्क में अधिक आलोचना करने कटकू आम सहित जोड़ी होती अजय दास अच्छा रिपोर्टर। अजय आज बार आसोसीएसन निर्वाचन केमती देखुं भोटिंग आरंभ होलानि कि एवं केत पर्यंत भोटिंग हेबो काउंटिंग केत कौन विस्तृत सूचना रही है? देखंतु शक्ति जदि कहिबा जो आडवोकेट समुदाय अच्छा राज्यर समस्त बार आसोसीएसन आज निर्वाचन जमी आप पचारे निर्वाचन सका 8टू आरंभ हो सारा पर्यंत निर्वाचन चलो तापर घंटे विरती और भोट गणति प्रक्रिया आरंभ हम मु बर्तमान दृश्य देखा चाहिए जेहेतु हाईकोर्ट बार आसोसीएसन परिसर में आम रही राज्यर 153 बार आसोसीएसन आज निर्वाचन हो हाईकोर्ट बार आसोसीएसन 15 पदपदवी निर्वाचन होती कह निर्वाचन निश्चित भाव में आडवोकेट समुदाय गोटे उत्साह सृष्टि करना पदपदवी जो कर्मकर्ता निर्वाचन रही निर्वाचन अधिकारी मैंने अच्छा आम सीधा सड़क देखुं श्रृंखलित ढंग से सका 8टू निर्वाचन चली 37 बूथ कर हाईकोर्ट बार आसोसीएसन परिसर में समस्ते धाड़ी करजर नंबर नहीं कि आसिक ये मतदान सब्यस्त कर सीधा सड़क कथा हाँ निर्वाचन अधिकारी मानू कौन विधि व्यवस्था पचार सर आज हाईकोर्ट बार आसोसीएसन कहीं राज्यर सब बार आसोसीएसन निर्वाचन होमर एटी कौन व्यवस्था कर देखो आज्ञा ओडिशा हाईकोर्ट बार आसोसीएसन इलेक्शन बार काउनसिल विधि व्यवस्था अनुसार अनुष्ठित होती श्रृंखलार सहित आमर भोटर मानक सहयोग क्रमे भोट चलु। अच्छा सर आमर ये 15 पदपदवी निर्वाचन होाय आम कौन 4000 अधिक आडवोकेट भाग नौते बूथ होतेटा बड़े निर्वाचन आरंभ है वरिष्ठ लोक मैंने जो मैंने अच्छा आसी पार ना ये सब व्यवस्था देखो आम आज 4297 भोटर रही आम 37 बूथ्र व्यवस्था करोटा आप कहले आम वयोज्येष्ठ वयोवृद्ध वकिल भोटरों पर कौन व्यवस्था होती देखो सारा भारत में बोध हुए आम प्रथम थर एक पदक्षेप नहींचु आम निर्वाचन अधिकारी श्रीजुक्त प्रशांत कुमार जेना नेतृत्व में आम श्री ब्रजबंधु विश्वाल आडवोकेट जहाँ बयस होशे ऊर्ध आज सका आम निर्वाचन अधिकारी निर्देश क्रमे जाए घर तर भोट आनी वर्तमान ग्रहण कर सारी ए प्रक्रिया आम प्रथम थर पर आरंभ कर सहित जो मैंने शारीरिक दुर्बल व अक्षमता बर्तमान नहीं स्वतंत्र व्यवस्था करमक हाईकोर्ट तरफ समस्त सहयोग मिलूँ। सर केमती चली वर्तमान पर्यंत निर्वाचन अति श्रृंखलार सहित धैर्यर सहित देखते भोटी हूँ वकिल समाज ये समाज हूँ आज्ञा समाज को आलोक देखाए तेणु से इलेक्शन जमती सब वर्ष अति श्रृंखलार सहित हुए ए बर्ष हुए तो आहरी अधिक श्रृंखलार सहित चलती समस्त शहश बदन में ये जो इलेक्शन पर्वटी को पालन करतेटा चलो काउंटिंग अवधि कौन काउंटिंग देखो निर्वाचन सका 8टा रु दिन 3टा पर्यंत होपर कि समय विरती पर पदवी गुड़िकर जो भोट हो सब गणति आरंभ हो। सर मु निश्चित भाव में शक्ति मु आउ टिके निर्वाचन अधिकारी जन अच्छा सहित कथा हवा सर निर्वाचन सुरखुरी चली कि नहीं बर्तमान 8टा बेलू आरंभ हाँ 8टा बेलू बर्तमान सुधा कौन विशृंखला होना जहाँ जमापड़ी बर्तमान सुधा 500 भोटर आसिक फ्रांचाइज करी बर्तमान सुधा जा सारे बाहर। सर कौन सब व्यवस्था करा जाए बूथ नहीं कि 37 बूथ आम करमर भैलीड भोटर हो 4297 एवं से मानाई आम प्रथम घंटे 210 जन भोटर देते
एवं द्वितीय घंटा रे 330 जन भोटर देचंती टोटल 540 जन भोटर वर्तमान दे सारलेनी आउ से तो पाखापाखि आपण देखिबे जदि से पाखापाखि 15% 20% भोटर आसिक भोट दे सारले ଭୋଟ ସରିବ ତିନିଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ବିରତି ପରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା କେତେବେଳକୁ ହଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲେ ତାହେଲେ ରାତି 10 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସମସ୍ତ ଫଳାଫଳ ଯାହା ହେଇଛି ସେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଦେଖେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବି ଯେହେତୁ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓକିଲ ସମୁଦାୟର ଭୋଟ୍ ରହୁଛି ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହୁଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଭୋଟ୍ ସରିଲାଣି ପ୍ରାୟ 15%ର ଭୋଟ୍ ସରିଲାଣି ଏବଂ ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଭଳି ଅନ୍ୟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ପରିସର ବାହାରେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତଳ କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଆଡଭୋକେଟ୍ ସମୁଦାୟ ଭିତରେ ଏ ଭୋଟ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ଭିତରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଶକ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅଜୟ ଦାସ ଥିଲେ କଟକରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 153 ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ମୋଟ 33,434 ଜଣ ଆଇନଜୀବୀ ନିଜ ନିଜର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ 9 ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପଦ ସମେତ ମୋଟ 15 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଆସୋସିଏସନ୍ର 4,297 ଜଣ ଭୋଟର ନିଜ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ହଲ୍ରେ ମୋଟ 37 ବୁଥ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବାର ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ